नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज इस वीडियो में ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइजिंग, लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर ओप्पो रेनो सीरीज की बात की जाए तो रेनो सीरीज के अंदर हमें मल्टीपल स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें काफ़ी अच्छे एक बजट फ्लैक्सिप के हिसाब से और फ्लैक्सिप लेवल के भी हमें स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं और इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले कैमरा मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये भी स्मार्टफोन काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है और इसके अंदर हमें बहुत ही अच्छी डिज़ाइन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेरों गिवअवेज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ओप्पो रेनो 6 5G का बॉक्स है। ऊपर 6 और नीचे की साइड में हमें रेनो लिखा गया है और साइड्स में भी हमें ओप्पो रेनो 6 5G लिखा गया है और बॉक्स से पीछे साइड में हमें कुछ IMEI स्टिकर्स और स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें एक पतला सा लिड मिल जाता है जिसके ऊपर हमें कुछ लिखा गया है और कंटेंट्स की अगर बात की जाए इसके अंदर हमें कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स कुछ मेंशन है, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल। तो इन सभी पेपर वर्क्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। ये हमारा प्यारा स्मार्टफोन है, पूरी तरह से प्लास्टिक रैप्ड, इसको रखते हैं साइड में। और बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो एक लिड हटाने के बाद हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस और इसके दूसरे साइड में हमें मिल जाता है एक सिम एजिशन पिन जो काफ़ी अच्छी तरीके से रखा गया है। और इसकी अगर सिलिकॉन केस की बात की जाए, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये प्योर ट्रांसपेरेंट है। और अगर बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो हमें मिल जाता है एक टाइप ए टू टाइप सी USB केबल। उसके साथ साथ हमें मिल जाता है एक 65 वाट का फास्ट चार्जर और इसकी आउटपुट की बात की जाए तो 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर है। यह हमारे स्मार्टफोन काफ़ी फास्टली और क्विकली चार्ज कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं मेरे अपने स्मार्टफोन की। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ऊपर से मैंने इसके प्लास्टिक रैप को रिमूव कर दिया है और रेयर में हमें ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है और पीछे साइड में हमें काफ़ी प्रीमियम लुक मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन फ्लैट एजेस के साथ आता है आईफोन 12 सीरीज की तरह, जो काफ़ी देखने में प्यारा और प्रीमियम लगता है। और ये कर्व एजेस के साथ आता है जो स्मार्टफोन को काफ़ी हैंडी बना देता है। और रेयर के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है स्क्वायर शेप में और इसके ऊपर हमें 64 मेगापिक्सल AI कैमरा लिखा गया है। स्मार्टफोन के अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में हमें लेफ्ट साइड में साइड पंचर स्टाइल कैमरा मिल जाता है और इसके अंदर हमें बहुत ही बड़ा फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसके अंदर हमें काफ़ी पतले और नैरो बेजल्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्मार्टफोन के पोर्ट्स और बटन्स की बात की जाए तो स्मार्टफोन के राइट साइड में हमें पावर ऑन बटन मिल जाता है और ऊपर की साइड बात की जाए तो ऊपर हमें एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है और लेफ्ट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स की मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, नीचे की साइड में हमें मिल जाता है सिम ट्रे, इसके अंदर हमें माइक्रो SD स्लॉट नहीं मिलता है, इसके अंदर हम डुअल सिम केवल यूज कर पाएंगे। उसके बाद हमें मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन होल, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए जिसके अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसके अंदर हमें पीक ब्राइटनेस 750 निट्स की मिल जाती है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है और डे लाइट्स के अंदर भी हमें विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फ्रंट में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 के साथ कलर OS 11.3 का सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन के मेन प्रोसेसर की बात की जाए इसके अंदर हमें मीडिया टेक का डायमेंसिटी 900 एक 5G प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर बेस्ड एक ऑक्टाकोर CPU है और इसके अंदर हमें माली का G78 एक GPU देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये काफ़ी पावरफुल और पावर एफिशिएंट 5G प्रोसेसर है। इसके अंदर हम डे टू डे के सभी टास्क, उसके साथ साथ हम काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे, इंटेंसिव गेमिंग भी इसके अंदर हम खेल सकते हैं, मल्टीमीडिया डे टू डे के सभी टास्क बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फ्रंट स्मार्टफोन के रैम की बात की जाए 8GB और 12GB रैम में अवेलेबल होगा और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB 256GB UFS 2.1 का मेमोरी सपोर्ट होगा। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की मेन कैमरा सेटअप की बात की जाए तो स्मार्टफोन के अंदर हमें रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन से कैमरा 64 मेगापिक्सल का F1.7 अपर्चर के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का हमें F2.2 अपर्चर के साथ 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू का अल्ट्रा एंगल कैमरा मिल जाता है और इसके अंदर हमें 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर के साथ साइड पंचर स्टाइल में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट से इसके कैमरा UI की बात की है, इसके अंदर हमें मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं, ये पूरी तरह से लोडेड हमें मिल जाता है। इसके अंदर हमें बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल वीडियो और फोटोज़ के मोड मिल जाते हैं। उसके साथ साथ
इसके अंदर हमें टाइम लैप्स, स्लो मोशन, पैरानोमा, ये सब चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हैं जो ही स्मार्टफोन से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके डे लाइट की परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा डे लाइट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है कैमरे से। मेरे से कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है डे लाइट के अंदर, ये काफ़ी ब्राइट और शार्प फोटोज को कैप्चर करता है और फोटोज़ के अंदर हमें काफ़ी अच्छी कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है डे लाइट्स के अंदर और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। और लो लाइट्स की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लो लाइट्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से। और इसका माइक्रो कैमरा ऑन एवरेज ठीक है, नॉर्मल फोटोज कैप्चर कर लेता है। और फ्रंट में भी हमें काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फ्रंट से स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात की जाए, इसके अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है और स्मार्टफोन के अंदर हमें सभी जरूरी सेंसर्स मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, हमारे स्मार्टफोन को काफ़ी फास्ट और क्विकली अनलॉक कर देता है। अब स्मार्टफोन की मेन बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर हमें 4300mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है जो 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये हमारे स्मार्टफोन को लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर 0 to 100% चार्ज कर देगा। तो फ्रेंड्स अगर स्मार्टफोन की प्राइजिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर जून एंड या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा, बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसकी अगर प्राइजिंग की बात की जाए, इसकी प्राइजिंग लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये के बीच में होने वाली है बेस वेरियंट की। फ्रेंड्स अगर स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से आने वाला काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी लेटेस्ट 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमें कोई हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिलती है और ये बहुत ही पावर एफिशिएंट भी है। और इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, कैमरा भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर इसकी प्राइजिंग के हिसाब से इसके अगर डिटेल्स की बात की जाए ये मुझे थोड़े से ओवर प्राइज लगे, लेकिन ओप्पो रेनो सीरीज थोड़ी प्रीमियम प्राइजिंग पर आती हैं क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है और बिल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ये भी स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा बिल्ट और डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्या है आपके विचार स्मार्टफोन के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।